आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैंने और बाकी के बाबा ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप चिंता मत कीजिए, हम पत्रलेखा को बाहर निकाल लेंगे। छाया, पत्रलेखा चव्हाण को बाहर लेके आओ। यस मैम। पत्रलेखा चला, तुम्हारी बेल हो गई। ए रन, तू तो बड़ी जल्दी जा रही है रन। सुन ना, अपना नंबर देके जाना। टच में रहेगी तो सही रहेगा, आखिर वापस तो तुझे यहीं आ रहा है ना। चलो, तुम्हारे घर वाले आए हैं। बाकी बेटा, देख बेटा, खुद विराट ने, निनाद भाई साहब ने, ओंकार भाई साहब ने तेरी बेल करवाई है। आजा बेटा। पत्रलेखा, सब ठीक है, चिंता मत करो। तुम्हारी बेल हो गई है पत्रलेखा। विराट प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है विराट। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने सही के साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए बहुत गलत हरकतें की है विराट, बहुत घिनौनी चाली चली, और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बेल हो गई ना, चले बाबा। विराट देखो, तुम्हें अगर मुझे डांटना है ना तो तुम डांट लो, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है। मैंने जो गलतियां की हैं, नहीं मैंने गलतियां नहीं, मैंने गुनाह किया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं इसी जेल में रहने के लायक हूँ विराट, और तुम मेरी जमानत भी मत करवाओ प्लीज। मुझे अपनी सजा भुगतने दो, मुझे यही सड़ने दो, लेकिन एक बार ये कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है विराट। उसके बाद तुम भले ही मुझे यही मरने के लिए छोड़ देना, मुझे तुमसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं होगी विराट, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बाकी सच में अपने किए पे बहुत शर्मिंदा विराट, वो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। जब से यहाँ पे आई है ना, तब से सिर्फ रोए जा रही है और यही कह रही है कि उसके साथ जो भी हुआ वो सही हुआ। चलो पत्रलेखा, चलते हैं। उठो बेटा। मुझे यही रहने दीजिए, मैं यही रहने लायक हूँ, मुझे यही बनने दीजिए आप। जो बोलना है ना घर में बोलना, ना तो ये कोई जगह है, ना कोई वक्त, ना कोई फायदा, घर चलो। इतना वक्त क्यों लग रहा है मोहित? होगा को फोन लगा कर पूछो। माफ कर दीजिए बड़ी मामी, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। आपसे झूठ बोल के, आपसे छुप के मैंने बहुत गलत काम किए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
उठ पत्र लिखा, उठ। मैंने देखी है ना पत्रलेखा की क्या हालत हो गई है। इसके किए की सजा तो मैं इसे जरूर दूंगी। पहले रोना बंद कर। सही कहा है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे माफी मांगनी है। करिश्मा सही को बुला। हाँ कब? तुझे क्या हुआ? इसे भागते हुए क्यों आई? भूत देख लिया क्या? मैंने तुझे सई को बुलाने के लिए कहा था ना? वो सई भाभी और विनायक। विनायक? विनायक कहाँ है? मुझे उसे देखना है। सही भाभी विनायक को लेकर। ये सब क्या है सही? वीनू बैग क्या करने का सोच रहे हो? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं क्या करने जा रही हूं। मैंने सिर्फ आपके सामने नहीं बल्कि पूरे परिवार के सामने कहा था कि अगर पाखी दीदी इस घर में वापस आई तो उसी वक्त मैं विनायक को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन शायद आप लोगों को लगा होगा कि मैं यूं ही कह रही हूं, लेकिन मैं यूं ही नहीं कह रही थी। मैं सच में घर छोड़ के जा रही हूं। बकवास बंद कर, सामान और विनायक को लेकर अपने कमरे में जा। नहीं काकू, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। मैंने आप सबको पहले ही कहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया, तो फिर मैं उस घर में और उन लोगों के साथ क्यों रहूं जिनके लिए मेरी या मेरी कही बात की कोई अहमियत ही नहीं है। सही सही, देखो माफी वो गुण है जो टूटे रिश्तों को जोड़ देती है, और मैं हमारा बिखरा रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ सही। तो प्लीज प्लीज मेरी वजह से तुम घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांग रही हूँ सही। जेल जाने के बाद में मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और शुरुआत से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है सही। न जाने मुझे क्या हो गया था, कौन सा भूत सवार हो गया था मेरे ऊपर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा यकीन करो सही, मैं सच में बदल गई हूँ। सही, पहले मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीनने की कोशिश की, फिर तुम्हारा बच्चा। मैं सच कह रही हूं कि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है सही। मैंने बहुत घिनौनी हरकत की है तुम्हारे साथ, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगकर अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज सही, प्लीज। अपना ये नाटक ये ड्रामा बंद कीजिए आप, और मेरे सामने तो बिल्कुल मत कीजिए। मुझे ना ही आपकी माफी में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपके इस नाटक में।